गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल का रिव्यू वीडियो। आप देख सकते हैं ये इस तरह का प्रोडक्ट होता है, इस तरह की बॉटल होती है। और गाइस मैं आपको पहले एलोवेरा के बेनिफिट्स बता दूँ तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, टोन करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन से रिंकल्स, पिगमेंटेशन, स्कार को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारी स्किन को प्लम बनाता है, हमारी स्किन को कूल इफेक्ट देता है। साथ में अगर आपकी स्किन में कोई इचीनेस हो रही है या इरिटेशन हो रहा है, आप तुरंत फ्रेश एलोवेरा को अपने स्किन पर अप्लाई करके देखिए, आपको तुरंत सडन इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस ये वाला वीडियो बस इसी माइंडसेट को मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि हम सभी डेली फ्रेश एलोवेरा को अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं कर सकते, हम होल डे होल नाइट अपनी स्किन पर अप्लाई करके नहीं रख सकते हैं। तो हमारे पास कोई एक अल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए जिससे हम हमेशा एलोवेरा जेल को के बेनिफिट्स ले सकें और कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकें, कितनी भी देर के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जो होता है वो हम होल नाइट होल डे नहीं रख सकते हैं, उसको कुछ घंटे के लिए ही अपनी स्किन पर रखना होता है। और ये वाला जो एलोवेरा है वो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी टाइम, कितनी भी देर के लिए, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसके। सो गाइस बिना समय बर्बाद के शुरू करते हैं आपके लिए गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल का रिव्यू वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल का जो बेल बटन है उसको भी आप प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ होंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख लीजिए गाइस, इस तरह की बॉटल में आता है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। गोल्डन कलर की कैप होती है और ग्लास जार में आता है ये। ट्रैवल फ्रेंडली है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को लेके। और ये जो प्रोडक्ट है वो 50 ग्राम की क्वांटिटी में है, लेकिन 100 ग्राम और 200 ग्राम की क्वांटिटी में भी ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़, लेकिन मुझे 50% ऑफ में ये प्रोडक्ट मिल गया था। इसके अलावा गाइस इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ आपको सिर्फ एक साल की मिल रही है, तो सिर्फ एक साल तक ही ये वाला प्रोडक्ट चलेगा। लेकिन अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक से दो महीने से ज़्यादा ये वाला प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है। और की इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, क्योंकि ये कोई प्योर एलोवेरा जेल नहीं है, ये एक एलोवेरा स्किन केयर प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसमें है प्योरीफाइड वाटर, कार्बोमर, ग्लिसरीन, डाइसोडियम, ETDA, और भी बहुत सारे इसमें केमिकल्स हैं। बट ऐसा कोई हार्श केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट पहुंचाएगा। इसके अलावा गाइस ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आप जैसे नेचुरल एलोवेरा जेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह से भी आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ये प्रोडक्ट ऐसा क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, कूल इफेक्ट देता है, सनबर्न्स को हटाता है, एक्ने को रिमूव करता है, स्किन इरिटेशन वगैरह होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है ये वाला प्रोडक्ट। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छे से ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन देते हैं आपकी स्किन पे, आपकी स्किन पर। तो मैं इस बात से कन्फेस करती हूँ कि ये आपकी स्किन को कूल प्रॉपर्टीज़ देता है, सूट करते हैं आपकी स्किन को, सनबर्न्स वगैरह को हटाता है, लेकिन मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से नहीं करता है ये वाला प्रोडक्ट। वैसे जो ऑयली स्किन के लोग हैं या फिर जो सेंसिटिव स्किन के हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के हैं या फिर सेंसिटिव स्किन के हैं, वो लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले लोग भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ही आराम से कर सकते हैं, लेकिन जो डैम ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको हो सकता है थोड़ी मॉइस्चराइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको थोड़ा कुछ इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद उनको मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ टू यूज़ इट, तो इसको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे डायरेक्ट अपने फेस पर अप्लाई करिए या फिर आप इसे दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन पर अप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाइस मेरे अकॉर्डिंग प्लीज़ आप इसे अपने हेयर्स में इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक तो क्वांटिटी में बहुत ही कम आता है और दूसरा इसमें और भी सारे केमिकल्स मिक्स हैं। तो प्लीज़ इस प्रोडक्ट को आप जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरह से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली अपने स्किन पर लगा सकते हैं या फिर किसी दूसरे इंग्रेडिएंट में मिक्स करके भी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बी केयरफुल ऑफ में लिखा है कि अगर आपकी आंखों में ये प्रोडक्ट चला जाता है तो पानी से वॉश ज़रूर कर लीजिए, अगर कोई रेडनेस या इचीनेस आती है। वैसे इस प्रोडक्ट को मैं भी इस्तेमाल करती हूँ और मेरी आंखों में जाता है तो मुझे आज तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ फेस को वॉश अच्छे से कर लीजिएगा।
इसके अलावा पेस्ट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, तो पेस्ट ज़रूरी होता है गाइस अगर हम फर्स्ट टाइम कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पर इस्तेमाल करने जा रहे होते हैं। तो गाइस ये इस तरह की बॉटल में है, कांच की जार है, और फ्रेग्रेंस की बात करूँ, टेक्स्चर की बात करूँ, कंसिस्टेंसी की बात करूँ, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट अबाउट टू फिनिश है, अभी मैंने सेकेंड बॉटल ऑर्डर की है इस प्रोडक्ट की, और ये इस तरह से वाइट क्लाउडी कलर का इसका टेक्सचर है, और कंसिस्टेंसी बहुत ही वॉटरी है, जेली टाइप की है, और इस तरह से आप अपनी स्किन पर जब अप्लाई करते हैं तो एक मिनट आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से मसाज करते हैं तो एक मिनट के बाद ही ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को सूद करता है, हाइड्रेट करता है, और लिटिल बिट मॉइस्चराइज भी करता है। इसके साथ साथ आपकी स्किन को टोन भी बहुत ही अच्छे से ये वाला प्रोडक्ट करता है। फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ही माइल्ड है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है और मैं इसे आगे कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। हाँ, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन गाइस स्किन केयर प्रोडक्ट्स में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आज तक का मेरा ये बेस्ट एलोवेरा जेल है, और आगे भी कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। गाइस इस वाले प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को एज ए सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए आप मेकअप बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकअप बेस के तौर पर मतलब ये है कि आप अपनी स्किन को मेकअप करने से पहले इस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन दे दीजिए, उसके बाद मेकअप आपके फेस पे लॉन्ग लास्टिंग चलेगा और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे से आपके फेस पर मेकअप का एप्लीकेशन हो पाएगा। इसके अलावा गाइस जो ये वाला प्रोडक्ट है, आप इसको चाहें तो अपने जो घर में DIYs बनाते हैं, जैसे आप घर में फेस पैक बना रहे हैं या फिर और भी कुछ बना रहे हैं, तो भी आप इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को उस प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि आप अगर चाहें तो इस प्रोडक्ट को आप, क्योंकि हम गर्ल्स की एक प्रॉब्लम हो जाती है समर्स में, और दिन के टाइम डे टाइम पे हम ये चाहते हैं कि हम अपने फेस पर सीसी क्रीम या बीबी क्रीम या फाउंडेशन का अप्लाई भी कर पाए, लेकिन फिर भी हमारे फेस पर नेचुरल सा इफेक्ट रहे और किकीनेस ना रहे, तो आप चाहें तो अपने सीसी क्रीम के साथ या फाउंडेशन के साथ या बीबी क्रीम के साथ या फिर किसी भी क्रीम और लोशन के साथ आप इस वाले प्रोडक्ट को थोड़ा सा मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हैं, तो आपके फेस पर आप सीसी क्रीम के भी सारे बेनिफिट्स देख पाएंगे और आपके फेस पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और लो बहुत ही लो कवरेज रहेगा आपके फेस पे, लेकिन आपके फेस पे बहुत ही नेचुरल सा इफेक्ट रहेगा अगर आप ये वाला प्रोडक्ट अपने क्रीम फाउंडेशन के सीसी क्रीम के साथ मिक्स करके अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये वाला प्रोडक्ट आप बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन है, लेकिन मैं आपको बालों में इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि क्वांटिटी ही बहुत कम होती है, और दूसरी बात ये है कि इसमें और भी कुछ बहुत सारे कुछ केमिकल्स हैं क्योंकि ये प्योर एलोवेरा जेल नहीं है। फिर भी आप चाहें तो हेयर जेल के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। इसके साथ साथ गाइस अच्छा वाला प्रोडक्ट है, आपको पसंद ज़रूर आएगा, तो बहुत सारे तरीके से आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको किसी एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके भी अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं कर रहा है, तो फिर आप इसमें कोई एसेंशियल ऑयल 2-3 ड्रॉप्स आप कोई भी, चाहे ऑर्गन ऑयल ले सकते हैं, आलमंड ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जो आप थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं वो वाले ऑयल्स को आपको लेना है और इस प्रोडक्ट के साथ थोड़ा सा मिक्स करके जैसे आप क्रीम लगाते हैं आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके फेस को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करेगा ही करेगा और मॉइस्चराइज भी कर देगा क्योंकि आपने ऑयल उसमें मिक्स किया हुआ है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कहीं से भी ये वाला प्रोडक्ट आपका वेस्ट तो नहीं। ये रहा मेरा आज का रिव्यू वीडियो जो है गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल के ऊपर। आपको पसंद अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई क्वेरी है, सजेशंस हैं, या फिर आपकी नज़र में इस प्रोडक्ट को लेकर क्या व्यूज़ हैं, वो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये वाला प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। अभी मैं दूसरी बॉटल भी इसकी परचेस करने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप इसका इस्तेमाल करिए, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो बस आज का वीडियो इतना, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।